दोस्तों आप लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और ये अगर अपडेट हो गया, अगर एक खबर अगर आरबीआई ने सबसे अगर ला दिया तो यकीन मानो काफी बढ़िया अपडेट है। अपडेट क्या है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब नहीं होगा। क्या है अपडेट, ये अपडेट कब तक आ सकता है, इसको आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट किया है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे आरबीआई तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, और ये फैसला मुझे लगता है कि शायद आरबीआई तरफ से आ जाए। यहाँ पे खबर ये है कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अगर आपका ड्यू डेट 10 तारीख को लास्ट है, अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिवस तक उसके अंदर में आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई लेट पेमेंट फाइन चार्जेस नहीं लगेगा, न सिविल में कोई ऐसी अपडेट या कोई गलत एंट्री आएगा। यहाँ पे ये नियम आरबीआई इसलिए लाना चाहता है कि यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल जाते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं, उसके बाद करते हैं, उन्हें लेट पेमेंट चार्जेस लग जाते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी 3.5 से 4% पर मंथ चार्जेस लगाती है, जीएसटी अलग से ऐड करेगी, साथ में सिविल पे आपका गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा, इससे आपके सिविल खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फैसला आरबीआई तरफ से आने वाला है। मुझे लगता है कि अगर ये नियम लागू हो गया तो शायद क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए काफी हद तक अच्छी बातें हो सकती है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आरबीआई काफी सारे ऐसे बदलाव या बड़े फैसले लाने वाले हैं। यहाँ पे रीजन ए है, क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी लोगों का लॉस नुकसान जा रहा है, काफी लोग परेशान है, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो यूजर हैं उनको हर तरीके से तकलीफ हो रहा है, इसलिए इस पे बड़ा फैसला बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फ्रॉड हो गया तब भी दिक्कत होता है, तो यहाँ पे ये चीजें आ सकती है। अब आप लोग बताइएगा जो ये आरबीआई का ये जो अपडेट अगर आ सकता है, अगर लागू हो गया तो आपको कितना हद तक फायदा है, क्या आप इस अपडेट से हैप्पी हैं, मतलब कि समझिए कि आपका डेट अगर 10 तारीख को है लास्ट डेट पेमेंट करने का, तो आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो लेट पेमेंट सिविल पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बाद करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। अभी ये अपडेट कब से लागू होगा, कैसे आरबीआई ला सकता है, अभी इसका एक ओनली एक बातें आई है सामने, तो कैसे आप इससे हैप्पी हैं आप फिर कमेंट में जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नए साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।